सी के, तो आई थिंक सभी जान गए होंगे कि मैं किन्हें स्टेज पर बुलाने वाली हूँ. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, इट्स टाइम टू वेलकम ऑन द स्टेज नन अदर देन द स्टार ऑफ देहाती डिस्को, हमारे मास्टर जी. अच्छा, सो कैन वी हैव द स्टार ऑफ दिस मूवी ऑन द स्टेज प्लीज. सर, आपको कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी कोई भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है. बचपन से लेकर अभी मैं जितनी बड़ी हो गई हूँ, आपको देखकर ही हमने नाचा है. और मुझे लगता है अगर डांस की डेफिनेशन किसी से पूछी जाती है तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि गणेश आचार्य जी. सो मास्टर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. देहाती डिस्को सिनेमा घरों में आने वाली है, बहुत सारी तैयारियां, प्यार ऑलरेडी ऑडियंस से बहुत मिल रहा है, बहुत सारी चीजें जो आपसे पूछने वाले हैं, लेकिन आप फिलहाल इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद कहूंगा कि बहुत सारा प्यार मिल रहा है, मिलता है और मिलता रहेगा. आज मैं बहुत खुश हूं इस बात के लिए कि देहाती डिस्को कि ट्रेलर 15 मिलियन पहुंचे हैं, उसके बाद फिर दोनों गाने 5-5, 6-6 मिलियन तक. हम जैसे छोटे लोग इतना प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है. और मैं चाहूंगा कि इस फिल्म की जो बैकबोन है, म्यूजिक जो शिवमन ने दिया है, मैं उनको स्टेज पे बुलाऊं. शिवा, प्लीज कम. हम लोगों ने बहुत मेहनत की है. लॉकडाउन में हम लोग रात को जूम कॉल पे 3-3, 4-4 बजे तक सुबह बात करते थे, और बहुत बहुत ही मुझे सपोर्ट किया शिवा ने. थैंक यू शिवा. थैंक यू. गुड इवनिंग एवरीवन. माता पिता गुरुदेवम. इन दिस लॉकडाउन माय फेवरेट, आई एम अ बिग फैन ऑफ गणेश जी, एंड ही कॉल्ड यू हैव टू डू दिस सॉन्ग्स एंड And he mentioned about the mitti, about the mat, you know, the our matti, matti. So I felt really, you know, because that's our culture, you know, our man. So I agreed for that. And then in this lockdown, my wife Runa was helping me to contact the singer. He lives in Bangalore. So we were just in FaceTime, and so the song, every song I have composed and I sent to Master Ji, and he really enjoyed. And thank you once again, the entire team, and Master Ji, thank you for bringing me for Deyati Disco. All the best. Yeah. अब मैं बात करना चाहता हूँ जो मेरे फिल्म में बच्चे ने जो रोल किया है, अच्छा है. लेकिन उसके पहले मैं और एक बच्चे की बात करना चाहता हूं. जब मैं गाना करता था बाहर में, तब एक बच्चा मेरे साथ मेरे गोद में आके डांस करता था, मेरे साथ बस में डांस करता था. मैं मतलब कहीं जगह, स्विट्जरलैंड, इंडिया, यूएस, हर जगह बच्चा मेरे साथ बहुत डांस करता था. मैं तब बहुत गौर से देखता था, ये कुछ कमाल है. और वो कमाल हो गया, वो आज बच्चा बहुत बड़ा स्टार बन गया है और यहाँ पे मेरे फिल्म देहाती डिस्को को सपोर्ट करने आया है. मैं चाहता हूं, प्लीज वेलकम वरुण धवन विथ माय छोटू वरुण धवन सक्षम. सक्षम, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज. इट्स टाइम टू वेलकम द स्टार ऑफ बॉलीवुड, द किंग ऑफ डांस, वरुण धवन. कम ऑन एवरीबॉडी, वेलकम वरुण. वेलकम सक्षम. मजा आ रहा है सक्षम को, बहुत बहुत एक्साइटेड है. तो ये है हमारे स्टार्स जिन्होंने मिलकर एक बहुत ही अमेजिंग सी फिल्म बनाई है. सो सक्षम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाउ आर यू फीलिंग? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी पहली फिल्म आ रही है, और मेरे को सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है. अब ऐसे लग रहा है, मैं सच में बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि अपुनिच भगवान है. भाई बहुत टैलेंटेड है ये. और सक्षम, मैं आपको बताना चाहूंगी, आई थिंक आप अभी बहुत छोटे हो, लेकिन फिर भी आपका जो दिमाग है वो बहुत बड़ा है. और हमारी इंडस्ट्री में जब भी कोई आता है, जब भी कोई डांस सीखना चाहता है, और उसे अगर एक बार मौका मिल जाए इनके पास खड़ा होने का, तो वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता है. आपको ये लॉन्च कर रहे हैं, तो आपका करियर आप सोच सकते हो कि आगे क्या होने वाला है. सो सक्षम के मॉम डैड भी यहाँ पर है, सो एक बार जोरदार तालियां.
था. इट वॉज अमेजिंग अमेजिंग. एंड जिस छोटे बच्चे की आप बात कर रहे थे जो आज बहुत बड़ा हो चुका है, सो कम ऑन एवरीबॉडी, मुझे नहीं लगता है कि इनके लिए मुझे कुछ कहना चाहिए. सो हियर वी हैव द स्टार ऑफ डांस, स्टार ऑफ द बॉलीवुड, एंड वेलकम हियर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. एंड सर बता रहे थे ढेर सारी स्टोरीज आपकी कि आप बचपन में इनके साथ बस में, रिहर्सल्स पे, फिल्म के सेट पे हमेशा डांस करते थे. आई नो बहुत सारी स्टोरीज होंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ दैट व्हाट स्टोरी यू लव द मोस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन हू कम हियर, एंड आई थिंक दैट बहुत बिफिटिंग है कि मास्टर जी एक डांस के ऊपर फिल्म बना रहे. और पहला जब प्रोमो देखा था मैंने तो मास्टर जी से मैंने खुद पूछा था कि मास्टर जी ये म्यूजिक किसने किया है इसका, बिकॉज आई लव द वे कि म्यूजिक जिस तरीके से जो भी म्यूजिक दे रहा है वो डांस के प्रति उसका बहुत प्रेम होगा या म्यूजिक को अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत गहराई में जाके इंसान ने समझा है म्यूजिक और ऐसा म्यूजिक दिया. एंड देन ही टोल्ड मी शिवमणि सर ने दिया, एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि मैं ये स्टेज पे हूँ इन दोनों लेजेंड्स के साथ आज. एंड बेटा इसने तो बिल्कुल सही कहा कि आप ही भगवान है. इवन मैं यही बिलीव करता हूँ कि बच्चे ही भगवान होते हैं, क्योंकि वो लोग इतने प्योर होते हैं उस वक्त. और फिर जब हम लोग थोड़ा बड़े हो जाते हैं थोड़ा करप्ट हो जाते हैं ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स, बट मास्टर जी का जो प्रेम है डांस के प्रति वो कभी करप्ट नहीं हुआ है. वो अभी भी अगर कोई भी गाना हो, किसके लिए भी गाना कर रहे हैं, वो बुलाएंगे, बोले रिहर्सल हॉल में आओ एंड ही विल टीच यू हिमसेल्फ. इट डजंट मैटर आर्टिस्ट कौन है, छोटा बड़ा, कितना सक्सेसफुल नहीं सक्सेसफुल, चाहे तीन पिक्चर चली नहीं या चली, जो भी डजंट मेक अ डिफरेंस. वो उसी श्रद्धा के साथ लोगों को गाना सिखाते हैं और मूवमेंट सिखाते हैं. मूवमेंट की जो स्मॉल स्मॉल बारीकी है, जो अदा है, जो वो ये सिखाते हैं. आई डोंट थिंक सो दिस. और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ, ओपनली कह सकता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसा, हमारे पूरे इंडियन इंडस्ट्री में आई मीन दैट, कोई ऐसा कोरियोग्राफर नहीं है जो डांस इतने प्यार से सिखाता है. दैट्स व्हाई द परफॉर्मेंसेस आर सो गुड. यू कैन सी. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो आई हैव अ वेरी क्विक क्वेश्चन फॉर यू वरुण. आपको एग्जैक्टली वो टाइम याद है जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले थे, पहली मुलाकात आपकी, डू यू रिमेम्बर दैट टाइम? नहीं, मुझे फुल याद है. मुझे सेट पे चिची भैया याद है, डैड याद है और मास्टर जी याद है. और इतनी धूप होती थी उस वक्त और मास्टर जी रेडी होते थे. अभी भी कैट्स पहने, तभी भी कैट्स पहनते थे और हमेशा होते थे हाँ सर रेडी 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 हाँ सर, और एक विसिल बजाते थे ऐसा और मतलब चालू हो गया. मतलब एक्टर को डांस आता भी नहीं तो उसके पैर हिलने लगेंगे, क्योंकि वो जिस एनर्जी से शुरू करते थे ना कि, और फिर कोई सही नहीं कर रहा था वो ऐसे बोलेंगे नहीं 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 थोड़ा समझो तुम, जिसने एक लाइन गाता है मस्ती है तू मस्ती पकड़, और तू मस्ती पकड़ उसमें हल्का हल्का लाउड थोड़ा सॉफ्ट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो मैंने बहुत, मैंने इनको इतना ऑब्जर्व किया है बचपन से लेके आज तक, इतना ऑब्जर्व किया और कभी थकते नहीं है. और बेस्ट तो इनका जो रिलेशनशिप मेरे डैड के साथ है, मेरे डैड इनको इतना प्यार, मतलब ही लाइक्स, आई थिंक ही लव्स मास्टर जी मोर देन ही लव्स मी एंड रोहित, ही जस्ट लव्स हिम. बहुत डांटते मेरे को फोन करके, गाना आज क्या कर रहा हूं तू, रह गया मैं उतने प्यार से उनकी डांट खा के आता हूं, क्योंकि मुझे डेविड जी ने बेसिकली बनाया है. साजन चले ससुराल फर्स्ट फिल्म ने की थी तुमसे धोखे जाओ बाद, उसके बाद उनके साथ मेरे 46 फिल्में की है कंटिन्यू. एक ही ऐसे डायरेक्टर है बॉलीवुड में जिनकी मेरे 46 फिल्म की, और अगर वो बोल नहीं सकता वो डेविड धवन जी. और बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मतलब फोन करेंगे पहले तो डांटेंगे क्या फिर क्या फोन नहीं लिया तो वो प्यार जो है बहुत मिलता है मेरे वरुण को. मतलब हम स्विट्जरलैंड में शूटिंग करते थे, उसमें सब हम साथ में जाते थे एक ही बस के अंदर, तो वो वरुण डांस करता था, आपको यह पता है कमाल डांस होता था. So, बहुत सारी स्टोरीज हैं आप दोनों के साथ में. एंड वरुण सर ने बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके लिए कोरियोग्राफी किया है. सबसे पहले तो नाम आता है चीची जी गोविंदा जी का, जिनके हम बहुत बड़े फैन हैं, और उनके सारे गाने जब भी हम देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भूल पाता है उन गानों को. और सलमान जी को भी इन्होंने जो सिखाया है, सलमान खान आई थिंक ही इज द किंग, एंड उनके सारे उन्होंने अनिल कपूर को भी नचाया. इन्होंने किसको नहीं नचाया? आई थिंक नहीं, वी ऑलवेज नेम द सुपर डांसर, यू नो, अजय देवगन को नचाया है, अनिल कपूर को, अजय देवगन जी को भी नचाया है. एब्सोल्युटली. जो एक्टर कौन? सनी देओल. सनी देओल. यस यस. कौन सा सेक्टर, कौन सा सेक्टर वैसे गए और ही खमो के दर मेरा दर वो सो आई थिंक हमारे पास लिस्ट यहाँ पर जो है वो खत्म हो जाएगी, बट स्टार्स के नेम्स खत्म नहीं होंगे. आपने इतने लोगों को यहाँ डांस सिखाया और मुझे लगता है कि सक्षम एंड वरुण आदम
स्टेज राइट नाउ क्योंकि आपने सलमान जी को सिखा दिया जुड़वा में राइट और हमारे कोड़ी नंबर वन में हीरो नंबर वन में आपने सिखा दिया गोविंदा जी को राइट और इन्होंने दोनों फिल्में कर दी दोनों गाने मिक्स कर दिए इन्होंने दोनों फिल्में की नो तो आई थिंक यू आर द लकीस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ एंड आप तो शुरुआत कर ही रहे हैं आपके करियर की सर के साथ सो मुझे लगता है कि दोनों बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं गणेश जी को राइट सो कैन वी हैव अ बुक स्टेप ऑफ सर मास्टर जी का जो देहाती डिस्को का अभी चैलेंज चल रहा है ना मैंने अभी भी देखा yes, yes, yes. कर रहे हैं वो आज हमें लाइव करना चाहिए कोई रिकॉर्ड कर लो प्लीज करेक्ट शिवामणि सर को भी करना चाहिए शिवामणि सर बोलने वाले थे कि मैं सिर्फ बजाता हूँ मिलता नहीं हूँ ही कैन प्ले बट ही कैन नॉट यू कैन डांस सर यू डिड अ वेरी वेल लाइक वेरी गुड जॉब कूल सो कैन वी हैव दैट हुक स्टेप सॉन्ग